उज्जैन जैसी जगह है, ये पुण्य और भाग्य का ही परिणाम है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। एक रात्रि भी यहां कोई रुक के चला जाता है, उसका आत्म उद्धार, आत्म कल्याण होता है, उसे आत्म शांति मिलती है। नौ ग्रहों में से मंगल ग्रह को उत्पन्न करने वाला यही स्थान है। धरती ने जिस पुत्र को जन्म दिया, एक बार की बात ही शिवपुराण में कथा आती है, भगवान शंकर को पसीना आया, उन्होंने माथे का श्रम बिंदु ऐसे पहुंचकर नीचे डाला और उस श्रम बिंदु के नीचे गिरते ही उसमें से एक वीर पुत्र प्रकट हो गया। धरती माता उसको संभालने के लिए एक नारी रूप में प्रकट हुई और कहा, बाबा इसको मैं संभालूंगी। भगवान महादेव को वह बोली, इसको मैं संभालूंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने धरती माता को कहा, देवी तू हमसे वरदान मांग ले, अनाथ बच्चों को पालना एक बहुत बड़े पुण्य की बात होती है, तो मांग क्या चाहिए। तो कहा कि मेरे पुत्र का जो ध्यान और दर्शन करे उसका कभी अमंगल ना हो, ये सबका मंगल करने वाला हो। भोलेनाथ ने कहा, ये मंगलों का भी मंगल करने वाला होगा, इसलिए लोग इसको मंगलनाथ के नाम से जानेंगे। और नवग्रह में इसको बहुत ऊंचाई मिलेगी, जिसकी जन्म पत्री में मंगल उच्च का हो वह बहुत बड़ी संपत्ति और वह बहुत बड़ी जमीन का मालिक होता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, इसलिए मंगल को भौम भी कहते हैं, मंगलवार को इसलिए तो भौमवार कहते हैं, सब पुराण में ये तो सब कथा है। तो दुनिया की इकलौती जगह, इसके अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान ने इस ग्रह को प्रकट किया है। तो उज्जैन की धरती इस दुनिया को मंगल ग्रह देती है, तो कितनी वंदनीय भूमि है यह है, कितना प्रणाम करने के लायक है। उज्जैन में प्रवेश करते ही जन्मपत्री का मंगल दोष शांत हो जाता है, ऐसा वरदान इस जमीन को मिला है। ऐसा बताते हैं कि जिसका नासिक में त्र्यंबक में जन्म हुआ है और उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो काल सर्प उसको प्रभावित नहीं करता। जिसका जन्म उज्जैन में हुआ है और उसकी कुंडली में मंगलिक दोष है तो मंगल दोष उसको प्रभावित नहीं करता। मंगलनाथ कृपा करने के लिए बैठे हैं यहां पर। पूरी दुनिया की इकलौता जगह यही तो है जहां मंगल की पूजा होती है, यहां सिद्धवट है। बड़ी बड़ी जगह है यहां पर, पूरी दुनिया का इकलौता स्थान यहां है जहां आठ चिरंजीवों का मंदिर बना है, अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुराम, सप्तेता, चिरजीवना, अष्टम मार्कंडेय, महात्मा मार्कंडेय जिनकी कथा कल या परसों आप सुन रहे थे, ये यहां पर है उज्जैन में। उज्जैन स्वर्ग है, यहां की और भी बहुत बड़ी महिमा है। राजा विक्रमादित्य ने यहां पर राज्य किया, पूरी दुनिया को संवत्सर उज्जैन ने दिया है। इस समय जो हम अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में सन के बजाय संवत्सर का बहुत महत्व रखते हैं, वो संवत्सर विक्रमादित्य राजा के द्वारा, इस समय विक्रम संवत चल रहा है, तो यह है उज्जैन ने दिया है। इसलिए इस उज्जैन को दुनिया का पंचांग कहते हैं, जो पंचांग होता है पत्रा जिसे कहते हैं, पूरे जगत को, पूरी दुनिया को पंचांग अवंत का उज्जैन ने दिया, काल गणना उज्जैन ने दी है पूरे जगत को। और शायद ये बात आपको न पता हो तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अकेला भारत नहीं, पूरे इस विश्व धरा की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा उज्जैन है जो सेंटर पैलेस यानी केंद्र में बसा हुआ है, पूरे दुनिया के केंद्र में है, ये पूरे दुनिया के केंद्र में है उज्जैन। पूरा धरती का जो मृत्यु लोक है उसके केंद्र में उज्जैन है, बीच में है उज्जैन, इसलिए इसको धरा का स्वर्ग कहा गया। उज्जैन जैसी धरती और यहां पावन एक रात का भी निवास मिल जाए तो यहां के देव महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है।